क्या कहा हमने कहा जनाब कि हमारे पास पहला होना चाहिए एक ऐसा कि जो एसिड के साथ नहीं करता है। लेकिन हमें दी है, प्रोपेनाल। फिर उसके बाद दिया है ओल ओल एंड ओन तो सबसे सब पहले आपको पता होना चाहिए के साथ जो रिएक्शन करता, करता है तो वो होता है जिसमें ओ एच होता है ठीक है नॉन मेटल के साथ जब ओ एच लगा होगा ये तो हम इसको कहते हैं क्या इसको हम कहते हैं ओल इसको क्या कहते हैं ओल तो ये हो गए तीन कार्बन ये रिएक्शन करेगा सोडियम के साथ हम जब रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा हम मिलेगा सी 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 ये वाला ओच और इन्हें इसके साथ रिएक्शन करेगा इन्हें इसको रिप्लेस करेगा इन्हें इसको रिप्लेस करेगा इसकी जो प्रोडक्ट बनेगी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट इसकी बनेगी जनाब कैसी इनकी प्रोडक्ट बनी ही ए सी 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 और ओ और एन ए ये प्लस और ये माइनस क्योंकि ये ओच को रिप्लेस करेगा तो ये हो गया प्रोपेन वन ओल सेम इज द केस ऑफ प्रोपेन टू ओल अब प्रोपेन वन ओल का मतलब ये है कि पोजीशन नंबर वन है और यहाँ पर प्रो ओ एच लगा हो ये और अगर यहाँ पर लगा हो तो इसको हम कहते हैं प्रोपेन टू ओल नहीं चलो ये वाला करते हैं भाई तो ये देखते हैं भाई ये कैसे रिएक्शन करता है हम कहते हैं जनाब सी सी और सी है यहाँ पर हमने लगाया ओ एच ठीक है अब क्या है ये एन के साथ रिएक्शन करेगा ये देगा आपको क्या इट विल गिव अस ये मैं इसको बैठाता हूँ अच्छा ये हमें देगा क्या इट विल गिव इट विल गिव सी सी और सी अपनी जगह बाकी चीजें अपनी जगह और यहां पर जाए, जाएगी ओ और इधर आ जाएगा एन ए इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन करता है ये भी रिएक्शन करता है ये माइनस एन ये प्लस ठीक है इसका मतलब है कि हमारा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं है ऑप्शन नंबर डी

तो फ्री हाइड्रोजन का मतलब ये है देखो आपने लिया ना एक ऐसा कंपाउंड सी सी ये प्रोपेन है तीन कार्बन है सी डोलन ओ और एच है और फिर ये वाला कंपाउंड है सी डोलन ओ और सी है ऐसा इसको प्रोपेन आल कहते हैं ये ए वाला और इसको प्रोपर कहते हैं इसमें कोई फ्री हाइड्रोजन नहीं है फ्री हाइड्रोजन नहीं है जो कि फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा हो इसलिए इस दिस इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू दिस वन दिस इज लेस रिएक्टिव इसका मतलब है कि ये वाला हम लेंगे फिर ठीक है अगर ऐसा कोई आता है तो वैसे हम कहते हैं कि जो अल्डीहाइड एंड क्रटोन है वो हमें एसिड देता है क्या देता है एसिड और इसके जो रिएक्शन हम लिखते हैं ना आमतौर पर रिएक्शन का इनके रिएक्शन हम ऐसे लिखते हैं जो रिएक्शन होता है वो ऐसे होता है देखो इनका जो रिएक्शन होता है वो ऐसे होता है फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा सी सी ये हम लिखेंगे ऐसा सॉरी ये हम लिखेंगे कि अब पास फॉर एग्जाम्पल ऐसा है है ओ और एच है फिर ये क्या करेगा इसके हम क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं के टू सी टू ओ सेवन और हम लिखेंगे एच टू एस तो ये हो गया आपका एसिडिफाइड और ये आपको देगा क्या सी 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 वन ओ, और देगा ओ एच। ये आपका होगा ये वाला हो इसका मतलब भी हो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर टू की तरफ एंड दिस इज एम सी क्यू जो कि एक्चुअली गलत था की में और यह सबसे बड़ा मसला क्रिएट हो गया था जहां जहां गलती है वो मैं बताऊंगा आपको ठीक है ओके सेकंड है सेकेंड एमसी क्यू है हाँ फॉरवर्ड में कौन जाएगा एमसी बड़ा आसान है लेकिन इसने मसला क्रिएट किया था इसने क्या मसला क्रिएट किया था इसने मसलाट किया था जनाब की जो की है उसमें यह गलत किया था उन्होंने अब देखो हम क्या करेंगे ये तो आपको समझ आया तो कौन सी है ये है कि रिएक्शन इज प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कौन जा रहा है देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए जो जो बातें हैं ना वो आपको याद होनी चाहिए वो बातें क्या है वो बातें ये हैं बाते है सुनना हम लिखते हैं ना के सी क्या लिखते हैं ये हम टू की सोल्यूशन बात करते हैं सोल्यूशन ऑफ द टू तो हम ये करते हैं कि जनाब के सी नहीं के सी वैल्यू के सी इज इक्वल टू हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट तो अब मेरी बात से से सुनना हम आसान सी बात करते हैं ये मुश्किल मुश्किल केमिस्ट्री मुझे नहीं आती ना मैं पढ़ाता हूँ हम ये कहता है ना कि के देखो केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू तो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऊपर है मतलब प्रोडक्ट जितनी ज्यादा होगी केसी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी समझ आ रही बात इनमें सबसे जितनी वैल्यू देखो जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी इसका मतलब उनकी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा और जिनकी प्रोडक्ट रखना तो ये ये क्या होगा प्रोडक्ट हो जाएगा? जाएगा। मतलब जितनी कम तो केसी भी कम इसका मतलब है कि फिर क्या ज्यादा रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टेंट जितनी ज्यादा केसी उतना कम अब मतलब अब जब कैसी की वैल्यू जितनी कम होगी ना इनमें तो वो क्या होगा ये फॉरवर्ड जाएगा फॉरवर्ड और इसमें कौन सा है देखो कैसी की वैल्यू टेन है कैसी वैल्यू वन है किसी की वैल्यू बाई हंड्रेड है एंड वन बाई टेन तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है आप कहेंगे ये वाली है हाँ ये भी छोटी है ये नहीं ये नहीं है लेकिन अगर वन और टेन के उन्होंने आई डोंट अंडरस्टैंड कि भाई उन्होंने वन एंड टेन को कंसिडर किया इन दोनों को कंसिडर नहीं किया और टेन को उन्होंने कहा लेकिन टेन फिर भी गलत है क्योंकि टेन ज्यादा है ज्यादा है इसका मतलब है कि रिएक्शन कहाँ जाएगा रिवर्स में जाएगा इसके मुताबिक रिवर्स में जाएगा अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो देखो सबसे बड़ी वैल्यू जब होगी ना इसकी कैसी की तो रिवर्स ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगा क्योंकि देखो ज्यादा कैसी मीन ज्यादा ज्यादा कैसी मीन ज्यादा प्रोडक्ट ज्यादा कैसी मीन ज्यादा प्रोडक्ट इसका मतलब है कि क्या कहा जाएगा दिस रिएक्शन विल गो अगर ये हंड्रेड है तो ये forward जाएगा नहीं तो नहीं जाएगा ठीक है? हम आते हैं क्या है हमने फाइव इलेक्ट्रॉन देखने हैं वो कौन है जिनमें फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का पता होना चाहिए मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप उसको ड्रा करें आपको पता होना चाहिए पता होने का मतलब क्या है अब देखो अब क्या करेंगे आपको पता होना चाहिए कि जो ड... एक्चुअली ये आया है आपका एमसीक्यू ये डी ब्लॉक से कहाँ से आया है डी ब्लॉक की सीरीज नंबर वन से आया है सीरीज वन से ये एमसीक्यू आपका यहाँ वहाँ से आया है उसमें हम देखेंगे ना हम ये कहते हैं आमतौर पर मैं सिंपल आपको बताता हूँ हम ये कहते हैं कि भाई होता ये है कि इसमें फोर और थ्री होता है ठीक है अब आपको याद रखना है याद रखने का एक तरीका है अपना अब वो तरीका क्या है आपको पता होना चाहिए कि वगैरह जो भी है। हमने कुछ निमोनिक्स बनाए हैं आपको पता होना चाहिए साइंटिस्ट जो है वो साइंटिस्ट uh, जो है वेरी क्रेजी मैन फॉर फॉर कॉनेकल वगैरह जो भी है अब हमारा मैन जो है वो

कि ये पहला नंबर है तो वन है ये दूसरा है तो ट्वेंटी टू है ट्वेंटी और, इसके इसके और भी बहुत सारे कितने हैं ट्वेंटी टू, है। टू है। के साथ क्या है फाइव है तो इस फाइव को आप इधर लगाए ये सिक्स है तो इस सिक्स को आप लगाएं इसके साथ मैं दोबारा लिखता हूँ इसके लिए ये आयरन के लिए फोर एस टू थ्री डी सिक्स है राइट अब आपने क्या करना है अब आपने ये करना है जनाब के डी में फाइव है आयरन के डी में सिक्स है इतना याद रखना और इसमें इसमें दो-दो दो-दो हैं, दो -दो हैं, वो डू वीडियो सर्चिंग हम किस चीज को सर्च कि डी में फाइव इलेक्ट्रॉन आए डी में फाइव आए हमारे पास न्यूट्रल एटम नहीं है मैं इसको इग्नोर करता हूं हमारे पास कोई न्यूट्रल नहीं है हमारे पास आइनस होने चाहिए मैं क्या करूं मैंगनीज़ का इलेक्ट्रॉन रह जाए अब मुझे कहेंगे, सर, इसके इससे दो इलेक्ट्रॉन निकालो तो डी में खुद, खुद पांच रह जाएंगे मतलब है कि से दो निकालूंगा, मैं 2, और आयरन से मैं कितने निकालू कि ये क्या हो जाए ये फाइव हो जाए मैं कहूंगा दो इधर से निकालो और एक इधर से निकालो ये आयरन क्या हो जाएगा एफ ई प्लस थ्री हो जाएगा तो एम एन प्लस टू एंड एफ ई प्लस थ्री लेट सर्च एफ ई प्लस टू सॉरी एम एन प्लस टू एन एफ ई प्लस थ्री एम एन प्लस टू एंड एफ ई प्लस थ्री प्लस देखो एफ ई प्लस टू ना बाबा ना फिर तो एस से सिर्फ जाएंगे ना इलेक्ट्रॉन ये गलत ये देखो एफ ई प्लस टू एम एन प्लस थ्री ये बिल्कुल गलत एफ ई प्लस थ्री ये प्लस थ्री बोला ठीक है एम एन प्लस थ्री ना बा चार हो जाएंगे और यहां पर देखो

हमने ये करना है आपको याद होगा हमने इसका सिंपल तरीका बताया है और तरीका क्या है इसका तरीका ये है जनाब कि देखो इश्टो ओ है इसमें लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है आप कहेंगे यस सर इसके पास दो लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना इसके पास है आ, ये तो नॉन पोलर है इग्नोर कर ये क्या है ये इसके पास लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं भाई ये एसिड है ये एसिड है ठीक है ये दोनों क्या है एसिड तो ये दोनों तो इग्नोर कर हम ये देखना है जो बेसिक होगा तो भाई हमारे पास ये है न बना ये है हाँ जी इश्टो ओ इश्टो ओ इज द ओनली वन विच इज्लीज दन विच इज़ क्या है जो न्यूक्लो फाइल है अगर आपको ये इम सिक्यूज देखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इम सिक्यू आपको केमिस्ट्री में पॉकेट में मिल जाएंगी अगर आप न्यूक्लो फाइल या जो टॉपिक्स हैं ये इम सिक्यू एक एक करके इंशाला किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप जाएँ और आपको एक एक इम सिक्यू मिल जाएगा अगर आपने देखना है तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ कि अगर आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जाएँ या ये सारे के सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ये सारे के सारे इधर हैं आप अलकाल हल्ड वाले चैप्टर में जाके भी आप इसको देख सकते हैं अकाल हलइट वाले मुझे एग्जैक्टली पेज नंबर याद नहीं है और मैं जल्दी जल्दी मैसेज में, में देख रहा हूँ तो जिसकी ये अकाल हल्ड है ना तो अकाल हल्ड में हम जब रिएक्शन मेकेानिजम की तरफ आएंगे ये न्यूक्ल एक सब्सिट्यूशल ये न्यूक्रियोफाइल है न्यूक्रोफाइल में देखें ये आपने एच टू ओ सबसे पहला है एच टू ओस और ये सारे हैं सॉरी ये ये ये, ये देखो रहा है आपको नीग्रो ये अगर आप देख सकते हैं ये वाला ये देखो नीग्रो ये पेज नंबर थ्री टू नाइन पर पेज नंबर अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं मेरा इज़ द वेरी वन ठीक है ओके ये सारे हैं सारे के सारे ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना ये सारे के सारे आपको इस बुक में मिल जाएंगे आप लोगों ने जाके इस बुक को एज रेफरेंस बुक इस्तेमाल करके इसे तैयारी करनी है एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द वन इज मोर मेटालिक इनमें सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है एमसीक्यू नंबर फाइव की हम बात कर रहे हैं कि भाई सबसे ज्यादा मेटालिक कौन है व्हिच ऑफ द मोर मेटालिक आपने बताना है कि इनमें से मोर मेटालिक कौन है अब देखो मेटालिक मेटेलिसिटी के लिए ना एक रूल है आपको याद होगा हमने जो टॉपिक पढ़ा था ना आयनाइजेशन एनर्जी क्या पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू इनवर्सेशन टू मेटालिक कैरेक्टर एक अच्छा मेटल कौन है तो हम कहेंगे जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होगी इनमें देखो सबसे ज्यादा

लेला ने कर दिया फ्रॉड हम ऐसा करेंगे ना कि सबसे नीचे वाला इनमें से देख लेंगे ये फ्रॉड को हम हटाएंगे क्योंकि ये फ्रेंड है ये रेडियक्टिव है तो इसको हम इग्नोर करते हैं तो हम तो हमारे पास कौन बच्चा सबसे एंड में कौन है सीजम है तो अब हमारे पास ऑप्शन दो है या ये ये रुबिडियम होगा है कोई सीजियम यस सोडियम ना न बाबा ना

ये जो ट्रिक्स हैं ये जो मैं बताता हूँ आपको हमारी जो ट्रिक्स है आपको सारी पता होनी चाहिए ठीक है यू शुड रिमेम्बर दीज ट्रिक्स वो क्या है हम कहते हैं ना प्यार करो बीवी को एक मिनट हमारे पास देखो सबसे पहले कौन है लो बॉलिंग पॉइंट से भी हम मालूम करते हैं लो बॉलिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट ये मालूम करते हैं हमारे पास जो सीरीजेज आती हैं वो लो बॉलिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट सॉरी 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 अच्छा हम क्या करते हैं हम इसको मालूम करते हैं किससे हम मालूम करते हैं लो बॉलिंग पॉइंट बॉलिंग पॉइंट आप कहेंगे सर ये क्या है ये सीरीज याद का एक तरीका है लो बॉलिंग पॉइंट पॉइंट बॉलिंग ये आपको याद रखना चाहिए निमोनिक है लाइमन बालमर पास ब्रैकेट और पीफन ये है। ठीक है फिर हमने देखना ये है कि हम ही कहते हैं ना के लव करो लव करो बीवी को लव करो बीवी को ठीक है और फिर पी बी पी जो है ये सब ये पी बी पी है आई आर ठीक है ये आप कह सकते हैं लव करो अपनी बीवी को बाकी सब आई आर तो अब लव का मतलब क्या होता है एल का मतलब लाइमन इसका मतलब इसमें क्या है इसमें एल है लाइमन इसमें एल क्या है एक मिनट इसमें एल रेड मार्कर तो ये एल एल क्या है एल इज लाइमन एल इज सॉरी गॉड इट. एल इज लाइमन एल क्या है दिस इज लाइमन ठीक है और यूवी क्या है आप जानते हैं भाई यूवी लव एल यू हम लिखते हैं एल ओ वी की बजाय लव तो आपको पता है तो अब ये हो गया कि लाइमन है यूवी में बी है बी बी का मतलब होता है आ, बाल्मर बाल्मर किस में है बाल्मर जनाब होता है किसमें विजिबल में, में. ठीक है तो अगर आप

ये देखो लाइमन क्या है हमने कहा लव करो लव एल यू वी बालमर हमने कहा बीवी के साथ अपनी बीवी के साथ लव करो बाकी सब वैसे भी है ना तो हम ये कहते हैं भाई आपको लाइमन यूवी में है बालमर विजिबल में है है बालमर किस में है? विजिबल में विजिबल देखो लाइमन सीरीज तो हम ये कहते हैं विजिबल रीजन विजिबल रीजन में कौन है विजिबल, रीजिन। विजिबल रीजिन में कौन है बालमर है तो बालमर ये अब बालमर ढूंढो ये भी आपका जवाब है ठीक है सिक्स इज बी एक्चुअली राइट नेक्स्ट हम बात करते हैं जनाब वही है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एसिड हैलाइड देखो ये हमारे पास एसिड होता है और एसिड के ओएच OH को हटा के आप एक्स लगाओ तो उसको हम कहते हैं एसिड हैलाइड एसिड देखो सिंपल अब क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं एसिड है? एसिड क्या होता है आपको इंग्लिश सर आर सी ओ ओ एच को हम क्या कहते हैं एसिड कहते हैं इसको हम क्या कहते, है? क्या कहते हैं एसिड अब अगर आप ऐसा करें इसके जो ओ OH एच है इसको हटा के इसकी जगह आप आर सी ओ और एक्स लगाए तो इसको हम कहते हैं एसिड और कहते हैं हम इसको कहते हैं और halide, तो हम हलाइड और हलाइड हमने ये ढूंढना एसिड हलाइड है और ये एसिड है तो हमारा ऑप्शन कौन है और करेक्ट ऑप्शन इज यानी आर सी ओ एक्स फॉलोइंग प्रीफिक्स इज यूज्ड टू यूज व्हेन टू अटैच्ड व्हेन हमने ऐसे रखा है ऐसा तो सेकंड लास्ट ये है कहते हैं अगर सेकंड लास्ट पर सेकेंड लास्ट पर दो मिटाइल अटैच है कितनी मिटाइल टू मिटाइल अटैच देखो अगर हम ऐसा लें और यहां पर हमने एक सी अटैच किया इसको हम कहते हैं आइसो क्या कहते हैं आइसो लेकिन अगर यहां पर एक और कार्बन आया ऐसे फिर इसको इन इसको हम कहते हैं न्यू क्या कहते हैं न्यू तो हमने क्या ढूंढना है वर्ल्ड ढूंढना है, यहाँ पर. तो हमारा क्या है? सी. ये क्या है ये सॉरी सॉरी ये सॉरी मैं दोबारा दोहराता हूं थोड़ा सा इसको मैं ये कहता हूं जहां के अगर ऐसा हुआ अगर ऐसा है कि अगर सी सी और सी ऐसा है और आपने क्या किया सी सी और सी है यहां पर एक कार्बन लगाया इसको हम कहते हैं आइसो लेकिन ऊपर भी कार्बन लगाया फिर अभी इसको आइसो हम नहीं कहेंगे नाउ दिस इज कार्ड नाउ दिस इज कार्ड न्यू नाउ दिस इज न्यू हमारा ऑप्शन क्या है दिस इज द न्यू इज द ऑप्शन ठीक है ये हमारा हो गया एम सी क्यू नंबर एट अब आते हैं नेक्स्ट एम सी क्यू की तरफ एंड दैट इज एमसीक्यू नंबर एमसी एमसीक्यू नंबर नाइन सॉरी इसके। एमसीक्यू नंबर हम ये कहते हैं कि विच द फॉलोइंग ऑर्गेनिक एसिड डज नॉट हैव हैच हम ये कहते हैं ना ये, ये बड़ा मशहूर है एक्चुअली ये नहीं है ये है ये ये तो हम क्लास में बार 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 दोहराते हैं और हम इसके बारे में बात करते हैं हम क्या बात करते हैं देखो हम ये कहते हैं ना मेरी बात गौर से सुनना कि विच आर ऑर्गेनिक एसिड एक एसिड है एक एसिड है लेकिन वो एसिड जिसमें COOH नहीं है एसिडिक एसिड हम कहते हैं उसी को जिसमें होता है लेकिन एक एसिड है याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसके मुख्तलिफ एमसीक्यूज है ये मैं इसलिए समझा रहा हूं आपको कि आपको पता चले इसका एक एमसीक्यू नहीं है इसके मुख्तलिफ एम सिक्यू है जिसको हम कहते हैं पिक्रिक एसिड क्या कहते हैं उसको

एलेक्ट्रॉलिस में एनोड एंड कैथोड होता है एनोड और कैथोड होता है हम जब इसकी बात करते हैं ना हम ये कहते हैं हम इसकी बात करते हैं तो हम पहले ये कहते हैं कि जनाब एनोड पर क्या होता है और कैथोड पर क्या होता है तो पहले आपको पता होना चाहिए हमारे पास जो एनोड है ना एनोड एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है क्या होती है एनोड पर हमेशा ऑक्सीड देखो हमारे पास क्या है एनोड है एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होती है लेकिन अगर कैथोड है तो कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होती, होती है क्या है? होती है रिडक्शन होती है हमारे साथ यहां क्या है जो एनोड है उस पे होती होती है है कैथोड रिडक्शन क्या होती है रिडक्शन होती है लेकिन अब देखो इसमें एक्सीडेशन रिडक्शन रिडक्शन हम उसको कहते हैं ना जिसमें हाइड्रोजन बनकर चला जाता है सिर्फ हाइड्रोजन बनकर चला जाता है उसको हम रिडक्शन कहते हैं तो भाई सबसे पहला ये इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन नहीं है बल्कि ये आपको पता चल गया हमारे पास दो ऑप्शन बनते हैं हैं एक हमारे पास है ओ प्लस है ओ ओ है है इलेक्ट्रॉन जो कि और देता देता अगर ये इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन बनी अक्षीजिन जहां बनती उसको हम कहते ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन तो पर होती है मतलब यह पूरा नहीं है। हमारे पास सही ऑप्शन there is actually the 10 is the d okay next hai which uh, compound is formed when magnesium is reacted with two molecules of water देखो सबसे पहले आपको एक बात ये मैग्नीशियम ये आपको दिया है कि मैग्नीशियम अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा तो एक बात याद रखना कि मैग्नीशियम हमेशा एक ही प्रोडक्ट बनाता है इसमें और वो है mgoh whole twice ये क्योंकि मैग्नी याद रखना आप लोग आपको कोई टीचर जैसी भी समझाई लेकिन मैंने कसान तरीका ही है मैग्नीशियम पर हमेशा प्लस टू चार्ज होता है प्लस वन वगैरह प्लस थ्री वगैरह नहीं आ सकता एक ही प्लस वन भी नहीं हो सकता मतलब ये गलत है एक गलत हो ठीक है एम जी टू ओ टू मतलब कि ये इसका मतलब भी वन होता है ये भी गलत है यहां पर आए एम जी टू ओ एच इसका मतलब है कि यहाँ माइनस वन चार्ज है तो यहां पर प्लस हाफ चार्ज है ना बाबा ना ये भी गलत है एम जी हमेशा प्लस टू में होता है ये हमेशा एम जी ओ एच होल्ड ट्वाइस ये बनाएगा और इसके अलावा कोई और नहीं बनाएगा दिस इज अंडरस्टैंड नाउ ओके अब आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ एंड इज okay. हमें क्या कहता है एमसीक्यू नंबर कहता है कि विच मैथड इज प्राइन्स अल्फाइन्स की प्रिपरेशन के मैथड बताएं और अगर आप थोड़ा सा उसमें जाए क्या नाम है ये आपकी रिएक्शन सॉरी सलेबस में तो बड़ी अजीब सी बात मुझे लग रही है जनाब कि अगर आप ऐसे एम सी क्यू देते हैं तो इतना आसान तरीन कि सिर्फ नाम बताओ मतलब ये कोई एम सी क्यों नहीं है कसम से एम डी के का या लेवल का एम सी क्यों नहीं है मतलब तो वो लेवल किधर गया जो एम डी के का लेवल होना चाहिए के एम यू पर लफ्ज़ में कहूँगा तो बहुत सख्त लफ्ज़ हो जाएगा लेकिन आप समझिए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ लेकिन ये उन्होंने जुल्म, जुल्म किया है कि इतना आसान तरीन आप देते हैं अंदर ठीक है एनी वेट अबाउट विच मैथड इज प्रकाइन अल्काइन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है सबसे पहले तो एडिशन वाले रिएक्शन तो हटा एडिशन रिएक्शन अल्काइन की प्रिपरेशन में नो एडिशन रिएक्शन बस ये पहला पॉइंट याद रखिए ये इसमें कोई नो एडिशन रिएक्शन कोई एडिशन नहीं है हाइड्रेशन एडिशन है ये भी नहीं है अब हमारे पास दो रह गए हाइड्रॉलिस क्या हाइड्रोलिस का रिएक्शन ना बाबा ना बनाड्रॉलिस तो कोई है नहीं एक ही रह गया वो है डी एनीवेज ये मैंने आ, ये आपको बताना चाहिए यही है लेकिन एक्चुअली इस इसको एक्सप्लेन करने का तरीका ये है कि होता ही है आपके पास क्या है सी सी सीनल डाइहलाइड मैं ये लेता हूं ये हो गया विसिनल इसको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक्स यहां लगा है यहाँ एक्स यहां लगा है मैं क्या करता हूँ मैं इसको जाके ऐसे करता हूँ और ये दो जो एक्स है ना ये चले जाएंगे एक्स टू के फॉर्म में ठीक है एक ये चला गया और ये चला गया सॉरी ये चला गया और ये चला गया और यहाँ पर एक और इधर से एच चला जाता है और इधर से एच चला जाता है तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा क्या मैंने एक्चुअली गलती से वो बना वो नहीं ऐसा है ऐसा ये हमारे पास क्या होता है C एक दो तीन C और देखो इधर से ये चला गया इधर से ये चला गया एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन रह गया ये अब इसको हम कहते हैं डी हाइड्रोहेलोजिनेशन हाइड्रोजन भी गया क्योंकि यहां पर हमारे पास क्या होता है प्लस एच एक्स बन जाते हैं टू एच एक्स हाइड्रोहेलोजिनेशन हाइड्रोहेलोजन डी हाइड्रो डी हाइड्रो रिमूवल रिमोट डी का मतलब होता है रिमूवल डी मीन ये डी जो है ना डी इसका मतलब होता है रिमूवल रिमूवल ऑफ ऑप्शन है, है आपका ओके okay. नेक्स्ट है कि कहता है है ये जो different physical form में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? लेकिन ये है एलिमेंट ये क्या है एलिमेंट देखो एनिसोट्रोपिक ना बाबा, ये प्रॉपर्टी नहीं है आइसोमॉर्फिज्म एक प्रॉपर्टी दी है तो आइसो कहते हैं सेम 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 शक्ल डिफरेंट शक्ल एक चीज है ना एक एक और वो डिफरेंट शेप में है डिफरेंट शेप में डिफरेंट शेप में या डिफरेंट फॉर्म में तो सो हम कहते हैं पोलीमार्फिज्म अलूथ्रोपी हम कहते हैं ना अलूथ्रोपी इज एक्चुअली ये पोलीमार्फिज्म ही है हम कहते हैं डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स डिफरेंट फॉर्म्स में है ना लेकिन ये पोलीमार्फिज्म है लेकिन ये पोलीफॉर्मिज्म ऑफ एलिमेंट्स है क्या है एलिमेंट्स पोलीमार्फिज ऑफ एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स का पोलीमार्फिज्म है ठीक है, है ये देखिए ये आपका ऑफ ओके नेक्स्ट आते हैं जरा सॉरी नेक्स्ट आते हैं तो नेक्स्ट एमसीक्यू है कहते हैं कि वट मास मेजर एट एस टी पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग वट मास ऑफ़ कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स फोर एट लीटर ऑफ कार्बन डाइ ये कौन है देखो सी ए सी थ्री कितना सी सी थ्री आपको एस टी पी का पता होना चाहिए एस टी पी की हम बात कर है रहे हैं आर टीपी वैसे कोर्स में है भी नहीं ठीक है हम इसकी बात कर रहे हैं जनाब हम क्या है हम ये कहते हैं कि एक सी ए, सी ओ थ्री जो है वो बराबर होता है हंड्रेड ग्राम ग्राम, ग्राम, का 100 राइट? 100 ठीक है? लेकिन ग्राम हमें देता है सी ओ है है, एक इसका रिएक्शन रिएक्शन जो ना, सी ए, आपको पता ही आपके फर्स्ट आ, फर्स्ट ईयर की बुक में है। और इस को हमने इतनी दफा पढ़ा होता है ना कि आप जब आ रहे होते हैं तो मेरे ख्याल में आप तो है। है आपको है? है ना एक, अगर यहां पर एक लीटर या डेसीमीटर क्यूब राइट 22.4 डेसीमीटर क्यूब ये 22.4 लीटर अब अगर ए का पी देता है तो टू हमें कितना देगा तो आप कहेंगे 22 इसको टू से मल्टीप्लाई करो ये हमें देगा 44.8 क्या देगा 44.8 ये हमें 44.8 यानी डबल देगा अब ये कहते हैं कि व्हाट मास ऑफ सी cso3 ये हमारे पास कितना होगा 2 का मतलब 200 इसका ऑप्शन कौन है c इज द ऑप्शन हमारे पास कौन है यानी टू एक 800 के बराबर है तो टू कितने के बराबर होगा तो 200 ग्राम के बराबर होगा ये 200 ग्राम अंडरस्टैंड आई एम श्योर कि यू अंडरस्टैंड नाउ किया है इसका मतलब क्या है ठीक है आते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ ये है सॉरी ये एमसीक्यू है 15 नंबर 15 नंबर एमसीक्यू है 15 एमसीक्यू हमें कहता है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ स्मॉल एटॉमिक रेडिआई रीजन ऑफ स्मॉल रेडिया वो क्यों ऐसा होता है क्यों ऐसा होता है कि जो एटम है रेडियाई है सोडियम आयन छोटा होता है सोडियम क्यों, एटम क्यों क्यों होता है वो इसलिए होता है जनाब देखो ना अब फॉर एग्जाम्पल सूरियम एक ऐटम है तो हम वैसे अगर आपको याद है सोडियम का सोडियम को अगर हम लेते हैं अगर हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम का हम क्या करते हैं सोडियम हमने लिया फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम हमने लिया तो हमें पता है भाई सोडियम जो है वन इज टू एच एल आई एन यानी थ्री इसमें क्या होते हैं इसमें थ्री शेल्स होते हैं ये देखो शेल्स ठीक है

अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात है ना बाबा ना इसमें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई पॉइंट ही नहीं है ये शील्डिंग इफेक्ट ना बाबा ना इफेक्ट का भी कोई पॉइंट नहीं है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होती है लेकिन हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते हमारे पास क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब है कि जो न्यूक्लियस है ना न्यूक्लियस 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 अब इन इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचता है ठीक है हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ओके okay जनाब और आते हैं जनाब व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम ये हमें बताना है हम देखते हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन एटम भाई आप ये तो बहुत आसान है 0.529 आपको याद होना चाहिए 0.529 9 क्या मतलब है इसका 0 इसका ओके नेक्स्ट टाइम से जो हम पढ़ रहे थे वो है व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम ये हम पढ़ रहे हैं जनाब के व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम हम क्या करेंगे इसका हमने मालूम करना है कि इसका ऑर्बिट कितना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसके लिए हम ये करते हैं उसके लिए हम ये करते हैं जनाब के इसका तरीका ये है कि हम मालूम करते हैं जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन आंकस्ट्राम इन

अब अगर इसकी करीब करीब कोई जवाब आपको मिल रहा है तो वो आपकी जवाब है देखो और से इसका अगर करीब करीब आपको कोई जवाब मिल रहा है वही जाके आपका जवाब है यू अंडरस्टैंड नाउ ओके नेक्स्ट एमसीक्यू क्यों है कि कहता है कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पॉजिटिव रेज पॉजिटिव रेज का दूसरा नाम क्या है ये आसान है भाई जो पॉजिटिव रेज है उसको दूसरा नाम कहते हैं केनाल रेज क्योंकि केनाल से पास होते थे इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए हम क्या करेंगे हमने मालूम करना है मैग्नेटिक्टम को मालूम करने का जो तरीका है ना वो ये है कि आप क्या करें उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मालूम करने के लिए टू इंटू टू एल प्लस वन ये हो जाएगा टू इंटू टू एल प्लस वन अब हम एस लेते हैं ना एस orbital एस के लिए हम लेते हैं जिरो. ये हो जाएगा जीरो प्लस वन और ये हो जाएगा टू क्लियर हो गया अब हम क्या करेंगे हम टू इंटू सॉरी सॉरी मैं मिस्टेक व्हाट इज द मैग्नेटिक नंबर ऑफ एस ट्वेल्व प्लस वन ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है सॉरी मैं मिस्टेक हम क्या करेंगे टू एल प्लस वन तो टू एल प्लस वन में हम क्या करेंगे टू इंटू जीरो प्लस वन हो जाएगा टू सॉरी जीरो प्लस वन आएगा वन दिस इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन इन हियर ठीक है ओके okay, इसका जवाब क्या है इसके जवाब है ए ओके इसके बाद आता है नंबर नंबर अबाउट द हम ये बात करें द टाटूमर ऑफ प्रोपिनाल इज अच्छा प्रोपिनाल नहीं होता ये जो दिया है ना ये जो प्रोपिनाल प्रोपिनाल होता नहीं है एक्चुअली प्रोपीनाल तो नहीं है टाटूमर ऑफ प्रोपीनाल नहीं होता बल्कि प्रो पिनोल होता है ये क्या होता है ये जो दिया है ना ये उनसे बहुत बुरी गलती हुई है और ये गलती क्या है ये होता है सॉरी ये ये जो है ना ये होता है प्रोपिनोल प्रोपिनोल कैसे कहते हैं प्रोपिनोल कैसे कहते हैं प्रोपिनोल प्रोपिनोल कैसे कहते हैं प्रोपिनोल कहते हैं प्रो किसको प्रोपिनोल कहते हैं कि फ्रीजेबल आपके पास प्रोपिन है ये ने तीन कार्बन वाला सी सी और सिल्वर से ये हो गया अब हम इसको कहते हैं प्रोपीन और ओल तो प्रोपीन ओल इसको कहते हैं एक दो तीन चार ये हो गया अब हम लेते हैं जनाब ये हो गया और ये ये देखो इसका जो हमने क्या मालूम करना है इसका हमने टाटोमर मालूम करना है टाटोमर का मतलब ये होता है टाटे हाइड्रोजन जाके इधर चला जाएगा और ये डबल वान इधर आ जाएगा ये हो जाएगा सी सी और ये डबल वान इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका एच इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा सी डबल वन ओ ये हो जाएगा। अब इसको ना यहाँ पर क्या है यहां पर हाइड्रोजन है इसको हम कहते हैं अल्डीहाइट क्या है अल्डिहाएड। ये अल्डिहाएड है 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 ये 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 हमारा क्या तो मतलब इसका जो होता है, वो अल्डीहाइट ही होता है क्लियर हो गया ओके समझ आ रही है ना ये अल्डीहाइट तो अल्डीहाइट है अब इसमें से ऑप्शन हम कौन सा ढूंढ रहे हैं भाई इसमें हम ढूंढ रहे हैं हम ढूंढेंगे भाई इधर नहीं हो सकता

लेकिन ये एन एच एक्टिवेट है तो रिंग तीन ऑप्शन ठीक यानी चारो चारों के चारों ठीक एक्चुअली ये है कि चारों के चारों ठीक चारो है अगर आप देखिए ना एक्चुअली ये चारों के चारों ठीक है, है। तो तो याद होना चाहिए ये तो आसान है 4 4 हाँ, अब उन्होंने दिया है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज दिया है आपको फोर पॉइंट टू पर मोल केल्विन 4.2 जोल पर ग्राम पर केल्विन 4.6 जोल पर ग्राम पर केल्विन 4.2 जो ग्राम केल्विन पर ग्राम पर केल्विन व्हाट इज द इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर दैट इज एम एम ऑफ जी एटीएम टॉर नवा बना दिस इज पास्कल ठीक है तो पास्कल इज एक्चुअली द इज अ यूनिट ऑफ इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर ओके जनाब

तो फिर ये आपको देगा क्या सी सी एल फोर क्या देगा सी सी एल फोर तो हम ये देखेंगे हमारे CCL4 है, कौन सा एमसीक्यू नंबर ट्वेंटी फाइव तो भाई अब आते हैं एम सी क्यू नंबर ट्वेंटी सिक्स की तरफ ओके द एलिमेंट द एलिमेंट क्लोरीन इज फाउंड इन the element chlorine is found in gaseous state while bromine is found in अब ये एमसीक्यू आपको बताता है कि आपने ये बताना है कि एलिमेंट क्लोरीन जो है क्लोरीन ये पाया जाता है एलिमेंट क्लोरीन पाया जाता है गैसीय स्टेट में लेकिन ब्रोमीन जो है ना वो पाया जाता है किस में तो ब्रोमीन पाया जाता है लिक्विड में किस में लिक्विड देखो फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे आर गैसेस ब्रोमीन

अल्कोहल है ना अल्कोहल तो अल्कोहल में सी ओ एच होता है अब याद रखना इसके साथ जितनी ज्यादा आप आर लगाएंगे ना एसिडिटी उतनी ही कम होगी आर लगाया एसिडिटी कम एक और लगाया एसिडिटी कम एक और आ लगाया एसिडिटी कम मतलब प्राइमरी में इसको प्राइमरी कहते हैं इसको सेकेंडरी कहते हैं तो प्राइमरी में एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है तो इसलिए से, प्राइमरी सेकेंडरी एंटरशरी ए इज द ऑप्शन प्राइमरी में सबसे ज्यादा उसके बाद सेकेंडरी में फिर उसके बाद टर्सरी में नेक्स्ट ट्वेंटी एट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हलाइड इज हमने करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो बताना है कि क्या है किसका है अब देखो इसमें दो चीज़ें हैं ये जो है ना ये एम सी ये एम का आप और से देखें ये वाला एम अब हम ये कहते हैं ना कि जो आर जो आर एफ होता है आर फ्लोरीन के बाद क्लोरीन है फिर उसके बाद ब्रोमीन है और आर आई होता है ये इसमें से आपने क्या करना है इस ऑर्डर को देखिए इस ऑर्डर को अगर आप देखेंगे ना तो इसमें यह ये ज्यादा होगा या ये ज्यादा होगा इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो इसकी स्ट्रेंथ कम है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ये ऐसे होगा ऐसे इसका मतलब है इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम अंडरस्टैंड ये रिएक्टिव सबसे कम होगा ये रिएक्टिव सबसे ज्यादा होगा ठीक है और अगर आप रिएक्टिविटी ऑफ अलकाल हलाइड में जाएँ तो ये जी की से उठाया है कि वट इज द रिक्टिटी ऑफ अलकाल हेलाइड तो हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड एनर्जी हम देखते हैं बॉन्ड एनर्जी तो बॉन्ड एनर्जी का रिएक्टिविटी के साथ क्या ताल्लुक है इनवर्स ताल्लुक है तो जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम होगी उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी तो ये है एक्चुअली ठीक है नेक्स्ट द बॉन्ड दैट द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन भैया वो तो आसान है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बताता है हाइड्रोजन बॉन्ड

वो है तो ये हमारा ऑप्शन है फ्यूचर सिल्वर मिरर इमेज सॉरी सिल्वर मिरर एंड टॉलेंस रिएजन इज फाउंड बाय अल्डी सेलेक्ट हाँ सेलेक्ट द यू नेम हमने यू नेम को सेलेक्ट करना है कि कौन सा यू नेम सही है हमें क्या चाहिए सही वाला यू पैक नेम और ना 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 वैक नेम ओके नेक्स्ट टाइम की तरफ आते हैं दैट इज सेलेक्ट द ऑर्डर ऑफ आई नेम ये क्या है सेलेक्ट द करेक्ट सॉरी सेलेक्ट द करेक्ट नेम अमंग द फॉलोइंग भाई क्या बताना है आपने ये बताना है आपने कि करेक्ट नेम किसका है अब आपको जो रूल्स है ना वो आप आपको याद होने चाहिए अगर आपको रूल्स नहीं याद तो फिर आपको केमिस्ट्री में पॉकेट पे इसकी डिटेल की जो वीडियोज पड़ी है वो आपको देखनी चाहिए एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट क्योंकि हमने बहुत डिटेल में इसको बताया कि कोई भी पॉइंट इनमें क्लियर ना हो स्पेशली बेसिक्स जो है ना बेसिक्स ऑफ वो आप देखिए जो पहला लेक्चर है बिल्कुल ठीक है इसमें हम कहते हैं कि पहले भाई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पता होना चाहिए अल्फाबेटिकल देखो हमारे पास यहाँ बी है यहाँ सी है यहाँ आई है ये ठीक है हाँ जी बिल्कुल ठीक है यहाँ पर देखो बी सी आई ठीक है हाँ जी ठीक है बी आई सी ये गलत है कि ये बी हो फिर आई हो फिर ये गलत है फिर उस देखो फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सी से शुरू है आई है फिर बी है ये बिल्कुल गलत है ये मतलब ये दोनों गलत हैं फिर हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं और वो क्या है ए और बी हमारे पास क्या है ए और बी ए और बी है देखो हमारे पास सब देखना ये है कि भाई कौन सा ठीक है तो मैं जरा इसको ड्रा करता हूं आपके आसानी के लिए ठीक है, बाकी मुझे पता है, बाकी हमारे पास है पेंटेन दोनों क्या? पेंटेन है, पेंटेन। तो पेंटेन एक दो तीन चार और पांच इसको कहते हैं पेंटेन दिस इस पेंटेन अब हमने देखना यह है ये कहते हैं टू ब्रोमो फोर क्लोरो मैंने लिखा टू ब्रोमो एक दो तीन चार और यहां हो गया क्लोरो टू अगर फोर ब्रोमो में लूंगा ना फोर ब्रोमो जैसे मैं शुरू करूंगा एक दो तीन चार ब्रोमो ये गलत होगा यानी हमारे पास क्या होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर है तो ये दोनों सेम पोजीशन है तो अगर हम यहीं से शुरू करेंगे हमारे पास ये टू होगा ये हमारे पास हो गया टू ब्रोमो टू ब्रोमो फोर क्लोरो तो हमने देखना टू ब्रोमो फोर क्लोरो फिर उसके बाद क्या है थ्री आयोडो ये हमारे पास सही है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन

यहाँ पर ऐसे एस सी लेवल 1 ओ आ जाता है तो ये इसको डिहाइड कहते हैं और इसको हम कीटोन कहते हैं ये हमें देगा कीटोन ये कीटोन तो सेकेंडरी अल्कोहल हमें क्या देता है दैट इट गिव्स कीटोन क्या देता है कीटोन देता है हमें 34 ओके नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं एमसीक्यू नंबर 34 एमसीक्यू नंबर 34 स्टैंड करेंगे 34 एमसीक्यू नंबर 34 ठीक है एम सी क्यू नंबर थर्टी फोर है कि वन मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हैज द सेम मास तो पहले भाई ये पुराने के क्यू है आ, ये इसका ईटा का और एग्जैक्टली से उठा के ना उन्होंने इधर थोपा है मालिक्यूल इधर देखो इसका शान तरीका क्या है इधर ऑप्शन भी, भी मालिक्यूल मोल है मोल और मोल और मालिक्यूल का मास सेम नहीं होता तो ये गलत ये मोल है गलत मालिक्यूल यस ये ऑप्शन है ये ग्राम एटम ये भी नहीं है इसके तरीके ये है, है नंबर एक नंबर टू दूसरा आपको दिया है ना कि वन मलिक्यूल का मास होता है एएमयू में एएमयू में और जो मोल है इसका मास होता है ग्राम में तो ग्राम और मोल का मास सेम ग्राम और एएमयू का मास देखो हमने कहा कि पहले देखना हमने मलिक्यूल है तो देखना भैया है कि यहां पर मलिक्यूल की है तो आपका ऑप्शन नंबर सी में मॉलिक्यूल बस ये आपका जवाब है पहले भी आया है उसमें फिर उसके बाद दूसरा मोल मोल मौ और ग्राम एटम इनका मास जो होता है ना वो ग्राम में होता है तो ग्राम और एमयू भी 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 बराबर ग्राम और एमयू का मास कभी भी 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 बराबर नहीं होता ग्राम का ज्यादा होता है लुकस है। है? तो टेस्ट तो याद रखना ये कंडीशन पे नहीं करता ये ऑर्डर ऑफ फ्रिक्शन नहीं करता मॉलिक्यूलर भी नहीं करता रेट रेड का मतलब ये है लुकस टेस्ट इसको कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ, होता है ना ऐसे ओ एच ये आर आर और आर है ये फास्ट रिएक्शन करता है फास्ट जैसे डालते हैं एकदम जैसा कलर चेंज हो जाता है और हम कहते हैं ये क्या है ये हमारे पास क्या है ये रिएक्शन हो गया अच्छा ओके नेक्स्ट उसके बाद अगर यहां पर आर कम है, सी, सी, पर H है यहां पर एच है यहां पर आर यहां पर आर है यहां पर ओ एच है ये क्या होता है ये फाइव टू टेन मिनट्स लेता है मतलब आप पांच से दस मिनट सफर करो कलर चेंज आया तो मतलब समझो ये सेकेंड एल्कोल है और अगर प्राइमरी है ना तो बहुत टाइम लेता है स्लो आराम से आपको आधा घंटा इंतजार करना पड़ेगा तो इसलिए हम कहते हैं भाई ये किस पे डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन ये है ऑर्डर नेक्स्ट इंक्रीजिंग द दिलिटी ऑफ गैस डिपेंड डिक्रीज इट्स क्या होता है भाई आपने क्या लेना है ये लेना है आपने एक एमसीक्यू है और वो एमसीक्यू क्या है एनसीक्यू है एनसीक्यू नहीं सॉरी मैं मिस्टेक ये एक वो है और हमने लेना है, है जेड इज इक्वल टू पी वी डिवाइड आर टी या एन टी ठीक है पी वी डिवाइड बाई अब हम क्या करते हैं हमने लेना है यहां पर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z का और पूछ रहे हैं कि प्रेशर वॉल्यूम कंडेंसेशन टेम्परेचर इसमें कौन है तो प्रेशर के साथ इसका डायरेक्ट ताल्लुक है यानी अगर प्रेशर ज्यादा होगा जेड ज्यादा होगा वॉल्यूम ज्यादा होगा तो जेड ज्यादा होगा लेकिन टेम्परेचर ज्यादा हो जेड ज्यादा होगा हो तो हो हो, हो टेम्परेचर कम होगा टेम्परेचर कम होगा जेड ज्यादा होगा इसका मतलब है कि डिक्रीज कौन होगा वो टेम्परेचर कौन है टेम्परेचर है इसको हम क्या कहते हैं इसको अल्कनोइक एसिड कहते हैं ओइक है ओइक एसिड ठीक है

एल आई एल एच फोर तो रिडक्शन रिएक्शन है लेकिन ये ना नेम रिएक्शन है वोलफेशनल नहीं है ये इसको हम कहते हैं नेम रिएक्शन तो नेम रिएक्शन होते हैं ना उसमें आम जो हमारे जो कैटलिस्ट हैं या जो रिएजेंट्स हैं वो इस्तेमाल नहीं होते इसमें क्या है इच टू इच पीडिन ये भी आम है ये भी आम है इसको इग्नोर करो ठीक है ये भी इन दोनों को इग्नोर करो जनाब ये नहीं है ये भी नहीं है और ये भी नहीं है ओके अब देखो ग्लाइकोल विद के हाँ बेस चाहिए है हमें ये हमारा जवाब है ठीक है इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विच वन ऑफ द शॉर्टेस्ट सी सी लिंक ये एक्चुअली उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ ये ये इनसे गुजर लिया है ना ये वाला ये स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से नंबर वन नंबर टू ये हाइब्रिडाइजेशन से नंबर थ्री बॉन्ड लिंक ये तीन ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे ये एक कम्बाइंड इनसे है आपको पता पूछते हैं कि भाई बताओ कि वो कौन है कि जिसमें बॉन्ड लिंक सबसे कम है हमें पता है भाई कि जहाँ पर एस पी ऑपरेशन होगी देखो सबसे पहले सी थ्री एच सिक्स हैं फिर उसके बाद सी टू एच फोर हैं फिर उसके बाद सी टू एक्चुअली सी टू एच टू है, है यहाँ पर एक्चुअली हमारे पास क्या है देखो मैं सिंपल बताता हूँ हमने अल्केन अल्किन और अल्कैन को देखना है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन को देखना है। अल्केन, अल्किन और अल्काइन को देखना है अल्किन अल्कि और अल्काइन को देखना है हमने वो क्या है हम ये देखते हैं कि अगर सी सी ये देखो हम लेते हैं ये ये सी टू एच सिक्स है ये हमने लिया सी सी ये सी टू एच फोर है और ये देखो ये सी टू एच टू है ये तीन हमारे पास आते हैं सॉरी तो अब देखो दोबारा इसको देखिए आप ये हमारे पास क्या है ये है अलकैन सी सी इसको हम कहते हैं ये कौन है इस ये है सी टू एच सिक्स है ये कौन है ये सी टू एच फोर है ये कौन है सी टू एच टू है अब इनको देखिए गौर से इनको देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जनाब कि इसमें इनमें से इनमें से हम ही देखते हैं कि मल्टीप्लिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड लेंथ ये एक रिलेशन है जो कि आपको याद रखना है डिफरेंट रिलेशन है लेकिन ये रिलेशन आपको याद रखना है

एक 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 ट्रिक बताया था इसमें वो ट्रिक में आपको पता होना चाहिए कि उसमें हमने एक तरीक़े बताया था बहुत आसान तरीका आप उसके लिए फिर हमारे जो क्लास है वो देखिए ऑनलाइन क्लास या फिजिकल क्लास में आपको ये पता चल जाएगा लेकिन उसमें ट्राई क्लिनिक है जिसमें हम कहते हैं ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी ये एक ही ऐसा है कि जिसमें ये ट्राई क्लिनिक में ही होता है और ये आपको पता होना चाहिए कि अल्फ़ा बीटा एंड गेमा जो है ये भी बराबर नहीं होते यानी एक्सेस और एंगल्स तमाम जो है वो बराबर नहीं होते वो ट्राइक लेने के बाकी कोई ऐसा नहीं है ओके नेक्स्ट इन रेट रेट इक्वेशन इज इक्वल टू के ये जहां कुछ नहीं होता ना ऊपर वहां वन होता है यह वन है द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर 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 फर्स्ट थर्ड ऑर्डर तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे ये है सेकेंड ऑर्डर ये क्या है दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेड ओके हम आते हैं जनाब एम सी क्यू नंबर लास्ट लास्ट एम सिक्यूज है और वो है लास्ट नंबर एमसीक्यूज में फोर्टी वन

इन्होंने गलत दिया है इन्होंने की में गलत दिया था तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप केमिस्ट्री में पॉकेट में फोर्थ एडिशन में उठा रहा हूँ अभी और उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि फोर्थ एडिशन के अंदर हमें क्या दिया है तो अगर हम इसकी बात करें तो भाई केमिकल सॉरी थर्मोकेमिस्ट्री में अगर हम इसकी बात करें तो थर्मो केमिस्ट्री में हमें ये बताता है देखो ये तो ये मिनट इसी बात ये है थर्मोकेमिस्ट्री में हम ये कहते हैं ना वर्क डन बाय बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन सराउंडिंग और से देख लिया वर्डन बाई द सिस्टम ऑन सराउंडिंग इज नेगेटिव ये क्या है नेगेटिव साइन नेगेटिव है रिएक्शन नेगेटिव है पी डब्ल्यू माइनस पी डेल्टा वी है W P डेल्टा V का मतलब W तो W इज माइनस पी डेल्टा मीनिंग ये माइनस होगा ये माइनस फिजिक्स में हम नहीं पढ़ते हम यहाँ पर हीट की बात करते हैं हीट नेगेटिव तो वर्क डन डन नहीं वर्क देखोटिव नेगेटिव है तो भाई इसमें कोई दूसरी बात नहीं है लोग कहते हैं फिजिक्स में ये फिजिक्स नहीं है ये हम केमिस्ट्री के रूल्स को देखेंगे हम फिजिक्स के रूल्स को नहीं देखेंगे फिजिक्स में चाहे वो इसको पॉजिटिव कहे हो इसको कहे उसको कुछ भी अबाउट द फिजिक्स उटिस्ट्री केमिस्ट्री में हम इसको कहते हैं तो ये, to, Q, आता है. ये भी नहीं है ये क्या है लोग अक्सर ये बताते हैं ये गलत है, है. फिजिक्स वाले कहते हैं ठीक है उनके साथ हमारा काम नहीं है हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री वो वॉल्यूम लेते हैं इसलिए हम यहाँ पर हीट लेते हैं ऑन द बेस ऑफ हीट हीट ऑन द बेस ऑफ ही समझा रही बात मैंने आपको किताब से दिखाया Human can, can digest तो है। इसका uh, oh, होती है। लेकिन दो इसको हम कहते देखो। आपको याद होगा मैंने आपको एक लेक्चर में एक चीज बताई थी कि वट इज द डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप मेरे ख्याल में वो अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं जीमेट्री में हम ये भी लेते हैं तो बॉन्ड लेकिन चूंकि लोन पर लोन पर रिपल्शन ज्यादा होती है इसलिए इसको हम कहते हैं यानी इसका अगर ये एक सौ नौ शरापान होता तो फिर हम इसको क्या अगर बॉन्ड एंगल होता फिर हम इसको कहते हैं कि हाँ जी ये टे ट्राहिडल है लेकिन बांड एंगल इनका एक सौ नौ से जाके एक सौ चार सौ पाँच की तकरीबन होता है इसलिए इसको डिस्ट्रोटेड कहते हैं ग्रेटर मॉलिक्यूल ये बहुत अरसा बाली है ये वाला आया था जब अनिला जो हमारी टॉपर थी वो और कोमल वगैरह उनकी सिस्टर जो दे रही थी हमारे और मेरे ख्याल में उस साल खजर भी था खजर लोग जो थे ये वो उस साल का इनसे है कि जनाब याद रखना रेजनस इनर्जी जितनी ज्यादा होती है स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है विल बी हायरिटी ना लोअर विल बी स्टेबिलिटी ना हायर साथ इसका कोई काम नहीं है समझा रही बात Next m MCQ number 46 kiter MCQ number. MCQ number 46 j Okay, for an endothermic reaction, H represents the enthalpy of reaction. The minimum value of the energy for activation will be equal to delta H less than delta H more than delta H 0. हम एक एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन लेते हैं और फिर आपको मैं समझाऊँगा तो भाई ये कैसे होता है भाई आराम से इसको आपने सीखना और फिर भी कोई मसला हो तो मैं ज़िंदा हूँ आप बेशक मुझे बेश मैसेज कर सकते हैं कॉल कर सकते हैं और मेक यू अंडरस्टैंड देखो ये हम लेते हैं ना एक सिस्टम कैसे इसको समझिएगा हम ये लेते हैं ना फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है ऐसा है इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक और अगर इसको हम लेते हैं सॉरी

द मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी फॉर एक्टिवेशन विल बी एक्टिवेशन की एनर्जी देखो जो एंडोथर्मिक की एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना एक्टिवेशन एनर्जी वो ज्यादा होती है वो क्या होती है ये ज्यादा होती है डेल्टा एच किसे कहते हैं हम ये डेल्टा एच इसको कहते हैं ये नहीं है, ये 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 डेल्टा एच है और ये नहीं है ये ये यह यहां से यहां तक इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी ईए देखो एंडोथर्मिक रिएक्शन है ये ठीक है जी को ये नहीं है दूसरे कलर से बनाऊँ कि आपको क्लियर हो मैं क्या करूं मैं इस एनर्जी को इस एनर्जी के साथ कंपेयर करू ये हमारे पास क्या है? ये क्या, है? ये क्या है तो क्या मुझे बता सकते हैं कि इन दोनों में से ये जो वैल्यू है ये ये ज्यादा है या ये ज्यादा है तो आप कहेंगे डेल्टा ई क्या है एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है हम कहते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन विल बी मोर क्या होगी मोर मोर देन डेल्टा एच ये होगा मोर देन डेल्टा एच इसके जवाब क्या होगा मोर देन डेल्टा एच होगा नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आते हैं फोर्टी फ्लेम टेस्ट आइडेंटिफाई अल्कली मेटल्स ये आपको याद होना चाहिए कि जो फ्लेम टेस्ट है दे आइडेंटिफाई टिफाई आइडेंटिफाई अलग दे आर बर्नड विच आर द कम्बिनेशन गिवन इन द करेक्ट वन अच्छा अब ये देखना जना जो हमने किया ना इसके लिए बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स हैं नमोनिक्स हैं जिनको हमने पढ़ना है आपने अंडरस्टेंड करना है हम ये कहते हैं न कि हम ये कहते हैं ना कि एक्चुअली हमारे पास जो होता है ना ये जरा मैं आपको बताऊं एक मिनट ये मैं आपको बताऊं कि हमारे पास क्या होता है ग्रुप नंबर वन की हम बात करते हैं ना ग्रुप नंबर वन ग्रुप नंबर वन हम ये कहते हैं ना हमारे पास होता आई एन ए के रुबीडियम सीजियम ये है Man, हमारे पास कौन होते हैं हमारे पास मैन होते हैं एल आई एन एन सीजियम ये हम ही कहते हैं ना कि ये जो हम लेते हैं ये हमने इनके कलर्स बताने हैं तो सब सबसे पहले भाई ये येलो है ये तो सबको पता होगा और ये आर बी और रेड एक जैसे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए भाई ये क्या है ये एक जैसे हैं ये क्या है ये, ये दोनों एक जैसे हैं तो हम ये एक जैसे लेते हैं ओके okay, फिर हम लेते हैं हमारे पास क्या आता है हमने ऑर्डर बताना है इसमें कौन सा ऑर्डर ठीक है देखो सबसे पहले जनाब रोबिडिम रेड है रोबिडिम रेड है आप कहेंगे सर नहीं है ठीक है वैसे मैं आपको आसान आसान बताता हूँ फिर आगे बाकी चीज़ें बताता हूँ आपको देखो येलो किस किस सीजियम के साथ ना बाबा ये गलत है किसके साथ है ये इसके साथ है तो ये गलत हो गया सीजियम गलत हो गया ठीक है अब मैं कहता हूं ना कि लाइबा अब मैं कहता हूं ना आपको कि ये पता हो ये हो गया ये आपका गलत हो गया अच्छा के रेड हो सकता है तो हम कहते हैं कि ना बाबा ना ये क्या होता है ये लिलिक होता है ये क्या होता है ये लिलिख होता है तो हम कहते हैं ये मुख्तलिफ उसे हम इस्तेमाल करते हैं इसे याद करते हैं कि राहील ये पता हो लाइबा को लाइबा को रियाद या रोमानिया से भेज दो ठीक है रोमानिया भेज दो ये ऐसे में ब्लू होता है हम ही कहते हैं जनाब कि अब रेड कौन होता है रेड सोडियम जो है ना वो येलो होता है इसको इग्नोर कर आपके पास दो रह गए तो हमारे पास कौन है ये एक ये रेड होता है और एक हमारे पास ये रेड होता है तो आपके पास के रेड है नहीं बाबा के लिक है तो के ये गलत है अब पास एक ही ऑप्शन रहता है और वो ये है लास्ट इनाशर एग्जाम्पल ऑफ भाई ये किसके हैं तो भाई ये ऑप्टिकल एसोमैरिज्म हम पढ़ते हैं ना उसमें है ऑप्टिकल एसोमैरिज्म ऑप्टिकल एसोमैरिजम में होता है सिस ट्रांस

मैं जिंदा हूं ना तो आपको केमिस्ट्री से डरने की जरूरत नहीं है देखना हमने डर है कंपाउंड एक्स रिएक्शन एक कंपाउंड है जो एक्स के साथ रिएक्शन करता है तो प्रोडक्ट तो तो अल्कोहल अब अल्कोहल है तो वो कौन है जिसके साथ रिएक्शन करता है अल्टीहाइड या एसिड या एसिड हलाइट हम नहीं रहते अल्डिहाइड और किटोन की हम बात करते हैं इन दोनों में से वो कौन है जो ये काम करता है ठीक है ओके okay. हम क्या करते हैं हम ये करते हैं जनाब के देखो मैं आपको इसका शांत बताता हूं अल्डिहाइड हम लेते हैं ना या किटोन जो कि हमें क्या देगा मैंने लेना गौर से मेरी बात सुनना हम इसके साथ r अटैच करते हैं क्योंकि इसके साथ rmgs अटैच करता है या अगर आप इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक आसान तरीके से देखो आप ये देखना चाहते हैं ना कि r इंडेक्स कौन सा कौन सी प्रोडक्ट बनेगी अंदर ये ना सीरियल 1 o और h है अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो देखो अब क्या करेंगे आप ये सोचें ना कि जो आर है सी है ओ को अपनी जगह छोड़ एच इधर आए और इधर आर अटैच करो और ये एच करो ये कौन सा है तो आप कहेंगे सर इसको सेकेंडरी अल्कोहल कहते है हैं कौन सा कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल है। अच्छा अच्छा मैं ठीक है इस एच एच को आर आर करो तो ये H यहां भी R हो जाएगा अभी कौन सा है तो ये टर्शरी है टर्शरी तो ये क्या है किठोन है तो हमारे पास ये ये ऑप्शन क्या है है किठोन हमें ये देता है ये एक आसान तरीका है भाई आपको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ देखो अल्डिहाइड के साथ

सिर्फ बताते हैं कि अगर पांच और दो सात यानी नहीं सात इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन सा ग्रुप है बड़ा कसम से बच्चे भी ये बता सकते हैं मेटल ऑफ इलेवन वन ए नाइव ए ए यस नॉन मेटल ऑफ फाइव ए ये यहवन भाई सात है तो सात में ही होगा ना सात है तो इलेक्ट्रॉन अगर सेवन इलेक्ट्रॉन है तो मोशन में एंड बनते हैं अगर ये सेवन है तो सेवन ही आएगा ना मुझे नहीं बात इनविगो बताया है ना कि बताओ कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है तो आपको आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हैं जो कि दो और पाँच सात बन गए और ये जितना नंबर होता है ना वही ग्रुप का नंबर भी होता है तो ग्रुप का नंबर मतलब सेवन है ये है ठीक है आते हैं जनाब द लास्ट थ्री इम्स यूज अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्ब amount of heat absorbed when one mole of liquid changes to gas at its boiling point is called इसको क्या कहते हैं सबसे पहले आप इसको समझें कि अगर हम क्या लेते हैं हम लेते हैं लिक्विड है और लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें गैस में तो उसको हम क्या कहते हैं आप इसको क्या कहेंगे इसको आप सब्लिमेशन कहेंगे इसको आप सब्लिमेशन कहेंगे तो आप कहेंगे नो बाबा ना इसको आप एवपोरेशन कहेंगे यस आप इसको लैटेंट हीट कहेंगे नहीं हीट कैपेसिटी कह नहीं इसका ऑप्शन नंबर बी हीट ऑफ इवैपोरेशन वेपराइजेशन कहते हैं तो हीट ऑफ इवैपोरेशन हो गया नेक्स्ट 53 अ वेल नोन फिजिकल चेंज इन इज मेल्टिंग ऑफ आइस देन मेल्टिंग ऑफ आइस इज फेवर्ड बाय देखो सिंपल सिंपल सी बात है आप उसको टेंपरेचर दोगे तो वो मेल्ट होगा टेंपरेचर अगर कम होगा तो मेल्ट नहीं होगा तो हाई टेंपरेचर एंड हाई टेंपरेचर लो प्रेशर हाई टेंपरेचर हो गया

अलम श्योर के अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा आ, हमारी बुक है केमिस्ट्री में पॉकेट यू कैन फाइंड ऑल द फिफ्टी फोर फ्रॉम हियर फ्राम हेयर अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको एक ही गम जाके इस किताब में खोल खोल के आपको दिखा सकता हूँ लेकिन मिलेंगे इंशाल्लाह एक वीडियो के साथ इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़